श्वेता जी धन्यवाद। आज चंद्र केतु के मूल नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, सनातन के मूल और हमारे शास्त्रों पर आज का सेशन बहुत, अरे वाह श्वेता जी, आप मेरा मन एकदम प्रफुल्लित कर देती हैं, खासकर ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान से, और मुझे बहुत मैं तो कहूंगा गुरु ही है, मुझे बहुत सिखाती हैं, ये ज्ञान देती हैं और मैं कई चीज इनसे पूछता हूँ। तो उन्होंने कहा चाहे शास्त्र पढ़े हुए संत हो या बिना शास्त्र पढ़े हुए संत, सब एक ही जैसे हो गए हैं, आजकल दोनों में कोई अंतर नहीं रहा, मालिका का लिखा हुआ सत्य हो रहा है, युग परिवर्तन के समय संत गलत बात फैलाएंगे। बिल्कुल श्वेता जी, मालिका का लिखा हुआ सत्य, युग परिवर्तन के लिए सारे संत गलत बात फैलाएंगे, एक नेता को ही ये सुरेंद्र बनाने में लगे। तो आपने ज्योतिष से भी अगर हमारी इस यात्रा को आपने कहा कि मैं ज्योतिष के हिसाब से भी अगर हम ठीक है, हम लोग हम सब मिलकर आए इसलिए, तो ये यात्रा फिर मंगलमय ही है हम सबके लिए। तो ठीक बात करें, मालिका ने लिखा हुआ है कि ये सब गेरुआ, इसीलिए मालिका में लिखा है कि भगवा वेश में काल निमी आएगा, ये भगवा वेश में सारे आपको, इसलिए एकम सनातन भारदल का ध्वज विष्णु यानी पीताम्बर, महालक्ष्मी यानी लाल, श्वेता जी ने कहा महालक्ष्मी के रंग श्वेत हैं, लेकिन चूंकि वो कमल के पुष्प पर आसीन है इसलिए उनका रंग लाल हो जाता है, लाल रंग भी उनको प्रिय है, पिंक गुलाबी और लाल प्रसिद्ध बनता है श्वेत। तो फिर ये हमने एकम के जो झंडा समिति है उसने इसको रखा है, हम सबसे अलग होने हैं क्योंकि हम मिटे या जिए धर्म के राह पर चले। सही कह रहे हैं अनिमा जी कि श्वेता जी और सुशील जी के विश्लेषण सत्य होने का समय आ गया, दिख ही रहा है, श्वेता जी बहुत स्टडी करते हैं, सुशील जी भी, और वो बिल्कुल, ये लोग धर्म की, प्रीति जी हमारे यहाँ आती है, ये सब धर्म की यात्रा कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पुलिन पांडा जी को भी मैं कहूंगा कि जल्दी बुलाए, अमरदीप कई लोग कह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या, इन सबको क्या है, हम पृथ्वी ध्वस्त होगी तो हम नीचे जाएंगे, फिर जन्म लेंगे प्रभु, और रहे तो प्रभु की लीला देखेंगे, तो हमको क्या बचाने को है, अच्छा बुरा सब प्रभु के को हम देखेंगे, तो इन सब के पास ऐसा कुछ नहीं बचाने को, तो हम लोग अपने सत्य को ही उद्घाटित कर रहे हैं, जिसको बचाने को है पुरस्कार पद कथा वाचन ये सब बचाने को है, वो व्यक्ति को पकड़ के घूम रहे हैं। गार्गी जी कह रहे हैं संजीव जी राक्षस सुल्तान संघ हमारा सब कुछ छीनकर दूषित कर रहा, बिल्कुल ये कालनेमी है, ये कालनेमी, कालनेमी हनुमान, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, बुद्धि के देवता हनुमान जी, उसको भ्रमित कर लिया, तो हम और आप तो साधारण हैं, और उनके कहने पर हनुमान जी सरोवर में स्नान करने चले गए, लाना था संजीवनी बूटी, देर हो रही क्योंकि वो चाहता था कि देर हो, सुबह सूर्य भगवान जल्दी प्रकट हो जाए ताकि वो संजीवनी बूटी ना ला सके। तो और माता जानकी जो स्वयं माँ लक्ष्मी, उनसे ज्ञानी को माँ जानकी उस साधु वेश में भ्रमित हो गई, रावण को साधु वेश में देखकर, त्रिपुंड देखकर, इसलिए त्रिपुंड और साधु वेश में मत जाना, कबीर ने जो कहा उस श्लोक में आप सबको फिर से कहता हूं, और मैं चाहता हूं कि भविष्य पुराण में और भविष्य मालिका में भी ये है कि आगे जाकर भगवाधारी आपको ज्यादा ठगेंगे, इससे सचेत रहना, इसलिए तन को जोगी सब करे, तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोई, सब सिद्धि सहजे पाई जो मन जोगी हुए, इसलिए तन पे भगवा वस्त्र पहनने वालों के धोखे मत आइएगा। एक भगवा वस्त्र वाले का जरा पोस्टर दिखा दो, अभी अभी दिखाया, उसमें है धनानंद हम पे हमला किया था चुनाव के बीच में, हमें पटरी से उतारने के लिए कितनी साजिश रची गई, बीजेपी के राजस्थान में होगी प्रचंड जीत, संतों ने भरी हुंकार, बीजेपी हिंदू भुज भाजपा को वोट करें, ये आ गया अपनी औकात, ये इसीलिए हमें चुनाव के पटरी से उतारने के लिए चुनाव आयोग लगाए गए, एकजुट जम्मू के विद्वेषियों को इसमें लगाए, हमारे पार्टी में गेरुआधारी से हम पर आक्रमण कराया गया, जो संघी है गेरुआधारी, ताकि जो ये धर्म का नाव लेकर चला है ना संदीप और अंकुर शर्मा और हमारी पूरी पार्टी, उसको डुबो दे, कोई भगवाधारी देख के इस पे हमला जो है, इन लोगों को लोग भगवाधारियों को पूछेंगे, आज ये भगवाधारी का निकल में औकात आ गया, ये भाजपा का वोट मांगता फिर रहा है, ये कैसे घुसा था एक्सपोज किया आपने देख लिया, हमारे पार्टी के आईटी से लिए कोई इसने इस्तेमाल किया नहीं, अंत सबसे आखिरी हथियार इस्तेमाल किया, स्त्री महिला आपने देखा, सूर्पनखा वाला हथियार इस्तेमाल किया, ये है, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम की कृपा है भगवान की हम पर, कि उसके पाठ के कारण काल ने भी एक्सपोज हो जाते हैं, ठीक है हमारी गति, हम फिर भी 6 महीने में हमारी गति है, हम यात्रा कर रहे हैं, लेकिन काल ने भी नहीं हो पाते, हम हमारे हाँ अपने हित नहीं साध पाते यहाँ आकर,
एक्सपोज हो जाते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा है, मैं सच बता रहा हूँ, विष्णु सहस्र नाम की कृपा है जिनसे इस कालनेमी से मैं बचाऊं, और कालनेमी खुद एक्सपोज हो जाते हैं। देखिए गिरवाधारी कालनेमी कैसे एक्सपोज हुआ है, आज वो भाजपा के लिए राजस्थान में चुनाव है तो वोट मांगता फिर रहा है, वो इसी के लिए एक हमको पटरी से उतारने आए। आज आपको क्लियर हो गया कि अनर्गल जो प्रलाप कर रहा था, हमें पार्टी का आईटी सेल ये को भी शामिल किया, सबको शामिल किया, ये यही कारण था। इसलिए भगवाधारियों से तन का, जो आपको कबीरदास जी ने कहा तन को जोगी सब करे, अरे तन पे भगवा धारण होके खुद को जोगी और संत बनाने वाले तो सब हैं, मन में बिरला कोई, मन से योगी कोई कोई होते हैं, सब सिद्धि सहजे पाइए जो मन जोगी होए, जिसका मन जोगी हो गया उसे सारी सिद्धियां मिल जाती, इनका नाटक नहीं करना पड़ता, ये कबीरदास जी का। मयंक कुमार जी करें, संदीप जी धनानंद ने औकात दिखा दी जब अपने चिल्लर पार्टी के साथ राजस्थान बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, पहले कह रहा था मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, साफ पता चलेगा वो पार्टी में से। हमारी बातें आप सबको सच लगेगी, शुरू में कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, आप सबको कह रहे हो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, मालू इस चीज सौ घरा ऋतु आए फल हो, एकम सनातन का जो फल वो ऋतु आने पर ही फलेगा, हमारे आपके प्रयास से नहीं, पर धीरे धीरे रे मना जितने भी पाखंडी कालने भी इसमें घुस रहे हैं वो सब धीरे धीरे एक्सपोज होंगे। कोई अपने जो हिंदुत्व की थाती जिसने बनाया, हिंदुत्व का जिसने चोला ओढ़ा कालने में, वो हमें सनातन धर्म की यात्रा करने देंगे, आगे ले जाने देंगे, असंभव है ना, तो वो तो अटैक करेंगे, वो इतने बड़े कालने में इतने बड़े संत को जब भ्रमित कर दिया तो हम और आप क्या है। इसलिए लेकिन धैर्य बनाए रखिए, विष्णु सहस्त्र नाम की यात्रा हम कर रहे हैं, वचन मैं दे रहा हूं, मैं धर्म से मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, धर्म नहीं छोड़ूंगा, चाहे प्राण रहे प्राण जाए, इसलिए धर्म पथ पर मैं अड़िग हूं, बाकी सब चीज हमारे लिए द्वितीय है। मयंक जी कह रहे हैं मध्य प्रदेश में किसी का नाम है बीजेपी का प्रचार कर, राजस्थान में धनानंद का है, ये सब छद्म है, वही है, सब पेरोल पे पलने वाले पिस्सू, जो किसी पार्टी के पेरोल पे पलने वाले पिस्सू है। ये प्रचार तो कभी कर्नाटका में भी कर रहा था, कर्नाटका में भी जिता रहा था, आपको ध्यान होगा। और धनानंद का तो, धनानंद नहीं करेगा प्रचार तो, वो जो भरतिया थे जो बिजनेसमैन जी के साथ जो बैठ के गोलगप्पे खाया है, ब्रज उखा रहा है उसका पैसा, वो बिजनेसमैन तो राजस्थान का ही है, तब तो यहाँ भी ये तांडव करेगा, तब तो यहाँ भी उस बिजनेसमैन के साथ मिलकर यहाँ की सरकार, जैसे वहां पे मोदी सरकार के मंत्री के साथ, फोटो दिखा दो जरा, मोदी सरकार के मंत्री महेश शर्मा के साथ बैठा था धनानंद, जैसे योगी सरकार के उप मुख्यमंत्री मौर्या के साथ बैठा था, वैसे ही दिल्ली यहाँ भी बैठेगा राजस्थान में, और ब्रज की भूमि राजस्थान में भी है, खनन माफिया का सबसे बड़ा क्षेत्र राजस्थान में, तो धनानंद को खनन माफिया का सपोर्ट मिलेगा ना, खनन माफिया के लिए वो फिर पीआईएल लगाता घूमेगा ना धनानंद, तो धनानंद उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह से मालामाल हो जाएगा, वो अपनी मालामाल होने के लिए काम कर रहा है, वो संगी है, वो 40 साल से संगी है, वो तो ईएसबीडी में घुस आया था लेकिन भगवान ने उजागर कर दिया, तो वो तो इसलिए राजस्थान में वो चाह रहा है, और इसलिए भाजपा का प्रचार कर रहा है, और भाजपा वो उद्देश्य से आया था ईएसबीडी को खत्म करने, ताकि भाजपा से और पुरस्कृत हो सके, और भाजपा ने उसको भेजा, ये क्लियर होता जा रहा है, धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है, भाजपा ने उसको भेजा था इसको एकम को खत्म करने के लिए, लेकिन खुद ही खत्म हो गया, महादेव की कृपा है, वो खुद ही खत्म हो गया, तो क्या कहेंगे। तो ये राजस्थान में भी चाहता है, ताकि खनन माफिया, जो गोवर्धन पर्वत का ही गिरिराज गोवर्धन का जो इसने सत्यानाश किया है, वो आधा पोर्शन राजस्थान में ही पड़ता है, तो दोनों तरफ से इसको मलाई मिले, अपना आश्रम बनाए, मलाई लूटने वाला बाबा है ना ये असली। फंडिंग वाले जो सूरज जी धन्यवाद, धनानंद लोगों को सवाल पूछने पे गालियां दे रहा था ट्विटर पे, वो अभी भी बोल रहा है कि वो बीजेपी का नहीं हिंदुओं का ही देशी है, पोस्टर दिखा दो, पोस्टर दिखा दो, ये देखिए बीजेपी के नेता के साथ गया था ये पास कराने ब्रज भूमि में, ब्रज को नाश करने के लिए, ब्रज के लोगों का घर तोड़वाने के लिए, ये मौर्या बैठा है, ये जो खड़ा है यही भरतिया है अनूप भरतिया, जिस पर ईडी मोदी जी की ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है, हजार करोड़ों का बैंक घोटाला करके, इस पर चार सीटें है बैंक घोटाला किए हुए, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट से इसको कोई राहत नहीं मिली है, और बगल में बैठा है धनानंद, अब देख लिए धनानंद, और फोटो दिखाओ, ये मोदी सरकार के मंत्री है महेश शर्मा, किसी बाबा की कितनी हिम्मत हो सकती है, ब्रज के विनाश का नक्शा लेकर बैठा है, अनूप भरतिया भ्रष्ट उद्यमी समझा रहा है, बाबा धनानंद के साथ बैठकर
ये उसकी भाजपा में पहुंचे। और आज वाला पोस्टर दिखा दो, भाजपा के लिए वोट मांग रहा है। अब इतना वो इतने पतित लोग हैं, जैसे आपने देखा होगा मोदी जी अपनी बात से झूठ बोलते हैं मंच पे लगातार झूठ, तो ये भाजपाई वोट जो है संगी संत ये सब भी हर बदबू आती है इन सबसे, बहुत झूठ बोलते हैं, एक्सेस झूठ बोलते हैं। देखिए प्रचंड जी राजस्थान में होगी बीजेपी की प्रचंड जीत, संतों ने भरी हुंकार। अच्छा इसमें से कोई संत नहीं है, एक ही ये अपने आप कोई संत नहीं है, खुद भी संत नहीं है, लेकिन संतों ने भरी हुंकार कह रहा है, देख रहा हो हिंदू भाजपा को वोट करें, देख लीजिए संदीप जी धनानंद ने थूक के चाट लिया, गंगा जल हाथ में लेकर सौगंध खाया था, गंगा जमी खड़े होकर मुझे तो मन करता कहीं टकरा गया तो बखिया उधेरने की तीव्र इच्छा है। बिल्कुल उधेर दीजिए ये लोग, गंगा आज पाप धोते धोते मलिन हो गई ने, ऐसियों ऐसियों का ही पाप धोते धोते गंगा इतनी मलिन हो गई, क्योंकि तो पापी इतने बढ़ते जा रहे हैं। सरस्वती नदी क्यों विलोप हो गई, पाप जब बढ़ने लगा गंदा गंगा भी विलोप हो रही है, क्योंकि ये लोग गंदा कर रहे हैं गंगा, ये पापी लोग। नीलम जी कह रहे संदीप जी ये जो बोला जा रहा है कि जाके प्रिय राम न बैदे, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है, 24 मई तोर मरो का लिखा गया था किसी चाटुकार द्वारा, और उसी को एक संत साधु वेशधारी बोल रहे हैं। सोचिए कितना चित कितना पतन हो रहा है, मतलब पीड़ा होती है। मैं उन पर बोला हूं कितना संभल संभल कर बोला, इतनी पीड़ा हो रही है। ये बाबा भी पुरस्कार प्रेमी है कमलेश जी करें, 2015 वाला फोटो दिखा दो एक बार मिनट, पद्म विभूषण मिल चुका है, जो मुलायम को मिला वो इनको मिला, राम का गोली चलाने वाले को भी वही पुरस्कार मिला, ये देखिए अरब का सब पुरस्कार मिला, तो आज अरब के आगे नतमस्तक है सर। मैं ही आपके सामने एक उदाहरण हूं, मुझे इस सरकार ने पुरस्कार दिया, मैं अहंकार नहीं कर रहा हूं, भगवान क्षमा करें, साहित्य अकेडमी फिर भी इस सरकार के विरुद्ध में खड़ा हूं। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो जिसको वित्तेषणा पुत्रेषणा और लोकेषणा, लोकेषणा यानी यही सब पुरस्कार मीडिया कैमरा पद प्रतिष्ठा ये सब बांध पाए, उससे कोई बच पाए, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। परमात्मा मुझे अपने में लीन रखें, मैं तो आपके सामने हैं, लोग मुझे तुझे कुछ मिला नहीं, मुझे तो साहित्य अकाडमी भी मिला ना, फिर भी मैं इनके विरोध में खड़ा हूं, मैं तो नहीं घुटने पर टेका ना, यहाँ सब घुटने पे आ गए, आपके सामने तो उदाहरण है। संजय शर्मा जी कह रहे हैं संदीप जी इस कलयुग में जितने भी भगवतधारी उन सबको मैं सिर्फ गुरु घंटाली कहता हूँ, क्योंकि अब ये ना तो सनातन का प्रचार करते हैं नहीं सनातन समाज में कोई योगदान है, सामाजिक कुरीति शून्य है। 25-25 लाख जब राम कथा का लेंगे तो 25 लाख देने वाले की कथा भी तो करेंगे, 25 लाख देने वालों की कथा ही कर रहे हैं, यही सच है। सुनील पेंडलकर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हौसला बनाए रखने के लिए, थैंक यू सो मच। अश्विनी शर्मा जी बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इससे लगता है कि आज के समय में भी लोग सत्य सुनना चाहते हैं और सत्य के लिए अपनी आहुति देते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जैन जी आपका बहुत धन्यवाद, आपने आज एक साहसिक लाइव किया है, आप खुद ISDN से हो, आप खुद साहसी हो, आप जानते हो कि मैं धारा के विपरीत चलता, मेरी पूरी जिंदगी धारा के विपरीत चलती चलता रहा मैं। मेरी माँ ने कहा कि मैं गर्भ से ही उल्टा जन्म लिया था, तो मैं धारा के विपरीत ही चलता रहा, इसलिए कई कठिनाइयां झेली, पर ये धारा के विपरीत ही चलना धर्म की यात्रा है, क्योंकि धर्म सत्य पथ की यात्रा है, धर्म अधर्म की यात्रा नहीं है, असत्य की यात्रा नहीं है, और हम सब ISDN साथी हैं। आशा जौहरी जी धन्यवाद, संदीप जी बहुत धन्यवाद, व्यस्तता में भी हम सबको नहीं भूले, कैसे भूल सकता हूँ, आप लोगों ने इस चैनल को बनाया है, ये ISDN का है। आपने देखा राम भद्राचार्य जी के 2 माह में थे और नेत्र की ज्योति चली गई, लेकिन श्रवण से उन्होंने सारे शास्त्र कंठस्थ कर लिए, तो श्रवण श्रोता महत्वपूर्ण है, आप महत्वपूर्ण है, मैं नहीं, आप लोग हैं तो मैं बोल पा रहा हूं, आप अभी कोई नहीं आते तो मैं बोल के टर्राता हुआ मेंढक की तरह टर्राता हुआ मैं चला जाता, आप हैं इसलिए हम नीलम अवस्थी मैं आपको आपको देख के मुझे बहुत अंदर से खुशी मिलती है कि आप अपने अंदर का जो बच्चा है उसको आप जीवित रखी हुई हैं, और बहुत अच्छा लगता है हर पल जो है उसको उल्लसित रहना, से वित्तेषणा पुत्रेषणा लोकेषणा, पहले 3 थे अब 4th है कैमराएषणा, तो आप ऐसे ही रहिएगा अपने पूरी यात्रा में, आप ऐसे ही रहिएगा, बहुत अच्छा लगता है कि अपना बचपन आदमी जिंदा रखे अपने अंदर। सुपर श्रीचंद सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।
धन्यवाद सरोज जी, सरोज जी कह रहे संदीप जी आपको सुनकर हमारे ज्ञान चक्षु खुलते जा रहे हैं, आपको सुनकर हम धन्य हो गए। मुझे नहीं शास्त्र को सुन के, मुझे नहीं व्यक्ति में यह अहंकार आ जाएगा, उसे भगवान मुझे अहंकार से बचाए हुए अब तक, परंतु शास्त्र ये सब मैंने सरोज जी हमारे शास्त्र से कहा है। मैं चाहता हूं कि सब शास्त्र को जरूर कहें, और आपको लगता है तो बस परमात्मा की कृपा है कि मैं शास्त्र आप लोगों के पास यथावत रख पा रहा हूं, तो परमात्मा को धन्यवाद, आपको धन्यवाद। सुमित मिश्रा जी कह रहे संजीव जी आपने आज मंत्र मुफ्त कर दिया, मुक्त होगा, मुफ्त मतलब मंत्र को मुफ्त कर दिया, तो मंत्र तो हम सबके शास्त्र में मुफ्त ही है, हम सबके लिए है। इन बाबा लोग 25 लाख रुपए लेते हैं, हमारे लिए मुफ्त ही है, तो हम सब मुफ्त की यात्रा ही करेंगे। 25 लाख इनको क्यों दें, हम भगवान कृष्ण की 25 रुपए की गीता से ही धन्य धन्य ना हो जाए। महेश चौहान जी कह रहे हैं, महेश जी संदीप देव जी आपको नमन है, उच्च कोटि कोटि की जानकारी के लिए, मैं लाइव नहीं देख पाता हूँ लेकिन वीडियो। धन्यवाद महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका साथ है जिसके कारण मैं सच बोल पाता हूँ, वरना इस समय धारा के विपरीत बहना कितना टेढ़ी खेड़ है, मतलब बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं बह पा रहा हूँ क्योंकि भगवान विष्णु से मैं रोज की प्रार्थना में यही कहता हूँ कि मैं सत्य के मार्ग पर रहूं, तो उनकी कृपा है, असली कृपा तो उनकी है। दूसरा आप साथियों का साथ है जो सुनने आते हैं, वरना तो अकेले में डॉक्टर रहा था कौन, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। गौरांग जी धन्यवाद, संदीप जी नमस्कार, आज का विश्लेषण बहुत ही उत्तम, पत्रकारिता हो रहा है, आपके साथ रहते हुए बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, धन्यवाद गौरांग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नवीन जी कह रहे हैं संदीप सर जब भी रामभद्राचार्य जी को सरकारी मीडिया प्रमोट करने लगी तभी मैं समझ गया कुछ अधर्म होने वाला है, भाजपा मध्य प्रदेश में बहुत बुरी गति में, उसको उभारने के लिए, क्योंकि रामभद्राचार्य जी का आश्रम चित्रकूट में है, यूपी मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे, मध्य प्रदेश चुनाव को प्रभावित करने के लिए रामभद्राचार्य जी का उपयोग किया गया, मोदी ने जाके कान में मंत्र दिया, रामभद्राचार्य जी अब पूरे चित्रकूट और उसके आसपास का पूरा मध्य प्रदेश में वो हिंदुओं से कह रहे हैं भाजपा को वोट दो, चुनाव जब वो हार रही है 20 साल के शासन पे भी, प्रशासन पे भी, अपने विकास पे भरोसा नहीं है, फिर धर्म का अफीम चटाने वो आई है, नकली धर्म का, सनातन धर्म का, इसलिए रामभद्राचार्य जी को प्रमोट किया जा रहा है ताकि उनके कहने पे कुछ वोट मिल जाए, असली स्वार्थ यही है भारतीय जनता पार्टी का। और रामभद्राचार्य जी भी पद्म विभूषण के जो उन्होंने लिया है, संतन ने जो सीकरी पहनी है उसका वो अपना वो सूद निभा रहे हैं, सूद चुका रहे हैं। अब मैं देश में कुछ भी होता है तो आपकी नजर से देखता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मुझ पर विश्वास करने के लिए। गिलहरी जी कह रहे हैं संदीप जी लेखक रवि सिंह की पुस्तक ऋषि इंटेलिजेंस को कृपया कपोत पर उपलब्ध कराएं, संभव हो तो लेखक के साथ आईआईटी पर डिस्कस करें, संभवतः केजीएफ और आईएसबीटी में एक पैरेलल ज्ञान परंपरा, बहुत सुंदर कहा मिंटू, इसका स्क्रीनशॉट लेके अमरदीप को भेज दो ताकि अमरदीप ये उपलब्ध कराएं कपोत पर। सुनीता त्यागी जी नमस्कार संदीप जी, कलयुग की एक पहचान यह भी है कि साधु संत राजाओं की चरण वंदना करें, ये बहुत सुंदर। देखिए मैं आईएसडीएंस को पाकर धन्य हूँ, कितने इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ये सही में शास्त्र में लिखा है ये साधु संत राजाओं के शासकों की चरण वंदना करेंगे, पहले राजा धर्म पर चलते थे, आज बाबाओं को भी अधर्म पर चला रहे हैं, बिल्कुल ये लिखा है कलयुग के बारे में, कलयुग की पूरी व्याख्या तो रामायण में भी लिखी हुई, सुनीता ऐसे ही करें तो आप कलयुग ऊंचाई पे पहुंच रहा है, ये रामभद्राचार्य जी को देखकर लग रहा है, साफ दिख रहा है, बाकी को तो मैं ऐसे ही बाबा मानता था, इनको मैं क्या कहूं। लेवी जी कह रहे हैं धन्यवाद, पिछले 10 साल में एक भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ, सही बात है लेवी जी, बिल्कुल, क्योंकि इनको हमारे इतिहास पुराण संस्कृति से कुछ लेना नहीं है, ये तो अब्राहमिक, ये तो अकबर को महान बनाने वाला सिलेबस पेश किए थे G20 में, ये लोग अकबर के डीएनए वाले लोग ही हैं, इन्हीं का खलीफा बोलता है ना, सेम डीएनए, तो ये अकबर के डीएनए वाले लोग हैं, ये क्यों हमारे भारतीय सिलेबस को लागू करेंगे। मत और मन, आपका मत और मंतव्य सुनकर मन प्रसन्न हुआ, जिस मत को लेकर देश चलना चाहिए, आजकल के नेता देश के नाम पर उस मत की और उस धर्म की अपमान, सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सनातन धर्म का पग पग पे अपमान, ये जितने भी बाबा और पार्टी संघ मिलकर कर रहे हैं, ये कलेक्टिव रूप से हिंदू समाज को तोड़ने का प्रयास है, कलेक्टिव रूप से, इसमें से एक बाबा है कथावाचक जो अरब से पैसा लाता है, या हुसैन ऐसे करता है, वो अरब से पैसा जाकर लाता है, वो भी मोदी जी का प्रिय है, या हुसैन करने वाला है। वो शर्मा जी बहुत दिन बाद बता रहे हैं आपकी तबीयत ठीक है,
आपका विश्लेषण एकदम सटीक है और अब लगता है कि ESBD ही बीजेपी को घुटनों पर लाएगी। आपके शक्कर भगवान, आपके परमात्मा, आप माता सरस्वती आपके जीवा पर विराजे, क्योंकि एक सनातनी पार्टी होनी चाहिए, सनातन धर्म के उद्देश्य को लेकर जो चले, एक ऐसी पार्टी भारत हिंदुओं के देश में, सनातनियों के देश में यदि एक भी सनातनी पार्टी नहीं है तो ये हम सबका दुर्भाग्य। बी डिस्कवर करें, 1947 में डैश को अपना हिस्सा ले चुके हैं, मलेच्छ अपना हिस्सा ले चुके हैं, उस हिसाब से इंडिया मलेच्छ इलीगल हुए। संदीप जी, क्या मलेच्छों का कुछ कर सकते हैं आपके सरकार बनने से? देखिए, पहला संकल्प दिखा दो, पहला दूसरा संकल्प, आप सब संकल्प जरूर पढ़िए, हमारे उसमें दिया हुआ है, इंडिया स्पीक्स डेली, खासकर टेलीग्राम में आप कंटेंट फॉर चेंज में जाएंगे और वहां आपको एकम सनातन भारत में सब मिल जाएगा। इनके लिए पूरी व्यवस्था है कि इनको हम अल्पसंख्यक राइट इनका खत्म कर दें, देख लीजिए पूरा सब संकल्प इसमें दिया हुआ है, इनका अल्पसंख्यक राइट हम खत्म कर दें, कोई विशेष अधिकार इनके पास नहीं जो आज ये भोग रहे हैं। धीरज करण जी करें, आज ज्यादातर धर्म गुरु इल्यूमिनाटी के खड़े त्रिभुज के बिजनेस मॉडल के प्रचार में उभरकर स्खलित हो चुके हैं। सही बात है, ये जितना भी फ्रीमेजन सोसाइटी आदि, ये सब मिलके एक कलेक्टिव अप्रोच हो रहा है हिंदुओं को खत्म करने का। उस कलेक्टिव अप्रोच में कुछ हम आप जैसे टिमटिमाते तारे हैं जो जूझ रहे हैं, बाकी कलेक्टिव अप्रोच, पैसे की बाढ़ आई हुई है, पेट्रो डॉलर की बाढ़ आई हुई, धर्म का काम करने वाले के पास पैसे नहीं, जो अधर्म का काम कर रहे हैं उनके एक एक कथा में 25-30 पचास पचास लाख रुपए आ रहे हैं, ये स्थिति है। शैलेंद्र शुक्ला जी कह रहे, ब्रह्मांड पुराण में लिखा है विष्णु जी के 1,000 नाम शिव जी के एक नाम के बराबर है और शिव जी के 1,000 नाम ललिता देवी के एक नाम के बराबर है, इस पर भी सब वही है, पर ब्रह्म के ही रूप है, इसमें कहीं कोई विभेद नहीं, सब एक ही बात है, कोई दो तीन नहीं है। विश्व की व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर ब्रह्म ने अपने आप को तीन हिस्से में विभाजित किया है, पर ब्रह्म तो वही है, एक ही है, उन्हीं की सारी शक्तियां हैं। बोई जी कह रहे, मैंने रोज आपका वीडियो देखता हूँ, नियम से बस सवाल नहीं पूछता क्योंकि आपके और मेरे मत भाजपा के लिए एक ही है। धन्यवाद बोई जी, नहीं मुझे लगा आपकी तबीयत, क्योंकि बहुत दिनों से हमारे लोग अपने नहीं आते तो थोड़ी चिंता हो जाती है मुझे कि तबीयत आदि ठीक है, आजकल का समय तो ऐसा ही चल रहा है। हरिओम शर्मा जी कह रहे, ऐसा लगता है कि महामानव ने राम भद्राचार्य जी को कोई राज्यसभा की सीट का लालच दे दिया, एक पद्म विभूषण भी काफी है और भाजपा संघ के तो नजदीक ही रहे हैं। परिवर्तन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मयंक भारद्वाज जी कह रहे, संदीप सरकारी धर्माचार्य जी को कितनी सैलरी रहती है सरकार द्वारा, क्या इनका पीएफ भी कट रहा है? बाप रे बाप, आपने आनंद ला दिया, बहुत ही इतना सुंदर लाया, इनका कोई पीएफ नहीं कटता, ये सब ट्रस्ट में पैसा लेते हैं, एक एक कथा के 25 लाख 50 लाख 1 करोड़, राजीव भाई ने कहे कोई तो 10 करोड़, और इनका कोई पीएफ नहीं, टैक्स फ्री होते हैं इसलिए ये सरकार की चापलूसी करते हैं, क्योंकि ये पैसे सारे टैक्स फ्री होता है, और सरकार को भी और उद्यमियों को भी जो काला धन से करना होता है तो इन धर्मार्थ ट्रस्टों का उपयोग किया जाता है, काला धन 1 करोड़ दिया और 50 लाख ब्लैकमेल ले लिया, तो ये धर्मार्थ ट्रस्ट सब जितने हैं ये काला को सफेद करते हैं, सरकार के काले को सफेद करते हैं, और चूंकि ये सारा गुड़ धंधा करते हैं सरकार के साथ चापलूसी में लीन रहते हैं, ये इनका कर्तव्य। ज्ञानेंद्र शुक्ला जी कह रहे, पुरी के शंकर ने कहा भगवान जिससे भी काम लेना चाहते हैं उसकी योजना पहले से, बिल्कुल वो हर युग की योजना बनी हुई है। राम भद्राचार्य का निमित्त प्रभाव निस्तेज हो रहा है, धर्म बहुत कठोर होता है, सत्य बहुत कठोर होता है, सत्य भी बहुत कठोर होता है, शंकराचार्य जी ठीक कह रहे हैं। पुलिन पांडा जी की कल की लीला पुस्तक हिंदी में दिसंबर में आ रही है, श्वेता जी ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी जानकारी देने के लिए, मेरी तो बहुत दिनों से उनसे बात ही नहीं हो पाई है, अमरदीप ही बात करता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।